बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नारे भुट्टो, माशाल्लाह, एक बार फिर आपने सांगर के आवाम ने जिस जोश और जज्बे के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, जिस तरीके से आपने बार बार हमारा इस्तकबाल किया है, हम ये मोहब्बत कभी नहीं भूल सकते। इलेक्शन तो 8 फरवरी को है, मगर सांगर के अवाम ने आज ही अपना फैसला सुना दिया है। फैसलो जमीर जो, फैसलो जमीर जो, ना मीर का ना पीर का, ना मीर का ना पीर का, ये सांगर के अवाम का फैसला है। जो बहादुर लोग हैं, जो गैरतमंद लोग हैं, जो डरते नहीं हैं, जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हम डट के मुकाबला करते हैं, तो वो सांगर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो है। साथियों, जैसे आपको मालूम है कि आप पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन दो जमातों के दरमियान है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान इलेक्शन हो रहा है, शेर और तीर के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। मगर मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है, मुकाबले करने के लिए सिर्फ जियाले तैयार है, शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है, घर में चुप रहा है, खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुप के कहता है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। ये किस किस्म का शेर है? ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है, खून चूसता है,
गरीब आवाम का खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है, मजदूरों का खून चूसता है। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान तीर है, अब नहीं शेर है, ये तो अब देख सोशल मीडिया पे चलेगा। पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान शेर है तो यहां वो सितारे वाले उनके सहूलतकार हैं। आपने 8 फरवरी को 8 फरवरी को सांगर को क्लीन स्वीप करना है, क्लीन स्वीप। आपने जो भी सियासी यतीमों का टोला एतिहाद बना के आपके सामने इलेक्शन करना कर लड़ने के लड़ रहे हैं, उनका सफाया करना है, सफाया। मुझे भारी अक्सरियत चाहिए, भारी अक्सरियत चाहिए। आप जितना मुझे अक्सरियत देंगे उतना मैं आपके काम कर सकूंगा। आप मेरे ताकत हो, आप जितना ताकत मुझे देंगे मैं उतना ताकत के साथ आपका काम करवा सकूंगा। मैं सिंध के अवाम से खास तौर पे दरख्वास्त करता हूं कि आए पीपल्स पार्टी के साथ दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपका नुमाइंदगी कर रही है। मैं चाहता हूं कि सिंध का चप्पा चप्पा में मैं काम करूं तो आपने हर जगह से मेरा नुमाइंदा मुंतखब करवाना, आपने हर इलाका से, हर जगह से, हर MPA सीट से, हर MNA सीट पे मेरा मुंतखब, मेरा नुमाइंदा को मुंतखब करवाए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद हमारा हुकूमत बन रहा है तो काम में कोई रुकावट ना हो, MPA हो, MNA हो, वो कामों में मुझे मदद की जरूरत होता है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई आपके काम के सामने कोई रुकावट बने। हमने आपने हर इलेक्शन में मुझे पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीट्स दिलवाए हैं तो इस इलेक्शन का यही उम्मीद है कि आप पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें दिलवाएंगे मुझे। देखिए आपकी साथ की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से हमने मिलकर तारीख रकम किया है। हमने पहली बार बल्दियाती इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट से जीते हैं, मगर जो सबसे अहम बात है कि कराची का जियाला का मेयर मैंने आपके लिए बनवाया।
हैदराबाद का मेयर तारीख में पहली बार, तारीख में पहली बार जियाला बना है। जियाला, ये आपका तारीखी कामयाबी है। अगर जनरल इलेक्शंस में यही होता है और कराची से लेके कश्मीर तक आप तीर को जितवाते हो तो इंशाल्लाह ताला हम सिंध का चेहरा तब्दील करेगा और इंशाल्लाह जरूर। अगर आप मुझे जनरल इलेक्शंस में वो रिजल्ट्स दिलवाएंगे जो बल्दियाती इलेक्शंस में मिला, अगर कराची के भी एमएनए सीट्स चियालो को जाते हैं, अगर हैदराबाद के सीट्स भी चियालो को जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वजीर आजम भी आपका होगा, वजीर आजम भी जियाला होगा। यही तरीका है। बाकी जमातें अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, बाकी जमातें अमीरों का नुमाइंदगी करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आपका नुमाइंदगी करती है, जो अवाम का नुमाइंदगी करती है, जो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, तालबे इल्मों की नुमाइंदगी करती है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहा है, जो नजरिया पे इलेक्शन लड़ रहा है। आप बाकी जमातों से पूछे, आप उससे पूछे जो चौथी बार आप पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, उससे पूछे कि आप चौथी बार वजीर आजम के उम्मीदवार बनने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो और आपके पास मंशूरी नहीं है। आप इनसे पूछे जो सियासी टीमों का टोला यहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछे कि मंशूर, तेरा मंशूर क्या है, तेरा नजरिया क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहीं और देख के उम्मीद रख के बैठे हैं कि कोई और उनको जितवाएंगे, मगर ये उनकी भूल है, वो वक्त नहीं रहा। अब अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो आए, अवाम के पास आए, अवाम को बताए कि आपका मंशूर क्या है, आपका विजन क्या है। आप आए, अवाम से मांगे वोट। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे यकीन रखती है। कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया था कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। तो यही वजह है कि मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूं, मैं आप पे एतमाद करता हूं, आप पे भरोसा करता हूं। अवाम से उनका साथ मांग रहा हूं कि आए हम मिलके कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करते हैं। आए हम मिलके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को हम मिलके मुकम्मल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े मसले क्या हैं? बाकी जमातें अपनी जाती फायदा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी जमातें सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कोई साहब जेल से
बचना चाहता है तो कोई साहब जेल से निकलना चाहता है। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं आपको बचाना चाहता हूं, इस गुर्बत से आपको बचाना चाहता हूं, इस बेरोजगारी से आपको बचाना चाहता हूं, इस महंगाई से आपको बचाना चाहता हूं। मेरा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआयदा है, आपने इस मुआयदा को घर घर लेके जाना है, आपने हर शहरी के पास जाके कहना है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के वादा है, ये 10 नुकात पाकिस्तान के अवाम से मेरे वादे हैं कि अगर वो मुझे ये मौका देते हैं कि मैं बहैसियत आपका वजीर आजम आपका खिदमत कर सकूं, तो मेरा वादा है कि गुर्बत बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। क्या है हमारा 10 नुकाती एजेंडा? हमारा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम को कि हम आपके आमदी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर हम इसको दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से, सांगर के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब तरीन लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा सोलर के थ्रू। ये हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया तो हमने वो मकान का वादा पूरा करना है, हमने पाकिस्तान भर 30 लाख घर बनाना है, हमने उन घर में रहने वाले ख्वातीन को घर का मालिक बनाना है, मालिकाना हकूक दिलवाना है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, मेरा नुमाइंदे बन के जाए और उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पिछली बार उनको वफाकी हुकूमत मिला तो हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। याद है आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शुरू हुआ। इस बार इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे और हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके, हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। और आपने पाकिस्तान के किसान के पास जाना है, यहां सांगर में हारी के पास जाके बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली बार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था तो इस बार बेनजीर हारी का देंगे, बेनजीर किसान का देंगे। हम अपने किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे ये हानि कार्ड के थ्रू। अगर हमने आपको डीएपी और यूरिया पहुंचाना है तो हम इस हानि कार्ड के थ्रू छोटे किसान को हानि को पैसा दिलवाएंगे ताकि वो अपनी जरूरियात पूरा कर सके। अगर हमने आपको बीज देना है तो वो भी हम हानि कार्ड के थ्रू आपको बीज दिलवाएंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता कुदरती आफत हुआ या कोई सैलाब आया या ये ड्राउट की वजह से मेरे हारी को नुकसान हुआ तो हारी कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम उनके फसलों का इंश्योरेंस भी दिलवाएंगे ताकि जब कुदरती आफत हो तो नुकसान उनका ना हो। आप
पाकिस्तान के मजदूरों मेहनतकशों उनको बता दे कि पिछली बार हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट दिया तो इस बार हम बेनजीर मजदूर कार्ड दिलवाएंगे अपने मजदूरों को, ताकि तमाम सहूलत डायरेक्टली अपने मजदूर के पास जाए, उनके जेब में पैसे जाए, वो बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू, बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम ये दिलवाएंगे। आप मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहन को बहनों को बताए कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां पिछली बार बेनजीर इनकम सपोर्ट लेकर आए, इस बार इंशाल्लाह ताला हम बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे, जो हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में हैं मगर उनको रोजगार मिल नहीं रहा, उनको इंशाल्लाह ताला हम यूथ कार्ड के थ्रू एक साल के लिए माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे नौजवानों को बताएं कि इंशाल्लाह ताला हम इनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में यूथ सेंटर्स का क़याम होगा, जहां नौजवान आके हमारा लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सके, इंटरनेट इस्तेमाल कर सके, अगर उन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अगर वो कोई सकाफती प्रोग्राम या कोई म्यूज़िक या जो भी उनका शौक़ हो। वो मैं चाहता हूँ कि हम अपने नौजवानों के लिए ऐसे सेंटर्स बनाएं ताकि वो मुस्बत काम करें, वो पॉजिटिव काम करें और वो गलत रास्ते पर ना जाए। और इन्हीं यूथ सेंटर्स के थ्रू इंशाल्लाह ताला मैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिलवाऊंगा, ताकि हमारे नौजवानों को मॉडर्न स्किल्स मिले और उनको रोज़गार के मौके मिले। इन्हीं यूथ सेंटर्स में इंशाल्लाह ताला मैं एक दफ्तर खोलूंगा जिनका काम ही यही होगा कि जब मेरे नौजवान आपके पास आता है, आप उनसे बात करें, आप पता करें कि इनमें क्या सहलायत है, ये क्या काम कर सकते हैं, फिर आपने उनके लिए रोज़गार तलाश करना है, चाहे वो हुकूमत का रोज़गार हो, चाहे वो प्राइवेट का रोज़गार हो, चाहे वो मुल्क के बाहर का रोज़गार हो। यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि मेरे मुल्क के नौजवानों को उन्होंने रोज़गार का बंदोबस्त करना है। और आखिरी जो मेरा वादा है, मेरा 10 नुकाती अवामी मुआयशी मुआहदा में, वो ये है कि मैंने यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना है। इसलिए ये मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो भूखा सोता है, पाकिस्तान का ऐसा कोई शहरी नहीं होना चाहिए जो भूखा सोए, और इनके लिए हम भूख मिटाओ प्रोग्राम लेकर आएंगे। ये जो नून लीग वाले हैं, ये जो जीडीए वाले हैं, ये कहते हैं, ये कहता है कि पैसे नहीं है और आप 18वीं तरमीम ख़त्म करो, आप NFC ख़त्म करो, सिंध के हक पे, सिंध के मसाइल पे पहले डाके मारो, और इस तरीके से वो इस्लामाबाद को चलाना चाहते हैं। मेरा इस्लामाबाद से पैगाम है कि मैं 18 महीने अब उधर गुजार के आया हूँ, मैं जानता हूँ कि पैसा है, वसाइल है, आप अवाम पे खर्च नहीं करते। हम इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि इस्लामाबाद में ऐसे 17 वजारते हैं जो कि कोई काम के नहीं, मैं वो तमाम 17 वजारते बंद करके, तमाम 17 वजारते बंद करके सालाना 300 अरब आपका पैसा बचा के पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं इस्लामाबाद से होके आया हूं, मैं जानता हूं
ये कहते हैं कि पैसा नहीं है, अशराफिया के लिए हमेशा पैसा है। आपको मालूम है कि आपका टैक्स का पैसा से कितना रकम अशराफिया को सब्सिडीज दिलवाने के लिए हमारा बजट में मौजूद है? बड़े बड़े बिजली घरों को सब्सिडीज पहुंचाने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल होता है? अशराफिया को सब्सिडीज पहुंचाने के लिए वफाक का बजट में सालाना 1,500 अरब आपका पैसा खर्च होता है, आपका अवाम का पैसा खर्च होता है, आपसे लेके वो अशराफिया को देते हैं। आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं, इंशाल्लाह ताला मैं ये सिलसिला बंद करूंगा। मैं ये अशराफिया का जो अशराफिया का 1,500 अरब का सब्सिडीज है, मैं उसको खत्म करके अपने हारियों पे खर्च करूंगा, अपने मजदूरों पे खर्च करूंगा, अपने नौजवानों पे, अपने औरतों पे, अपने गरीब अवाम पे खर्च करूंगा। कोई आपको हम जानते हैं कि अपने हक कैसे छीना जाता है। आई मेरे साथ दे, आई मेरे साथ जिद्दोजहद करे, इंशाल्लाह ताला मैं खुद आपका हक इस्लामाबाद से छीन के आपको दूंगा। 8 फरवरी को आप भारी अक्सरियत मुझे दिलवाए, 8 फरवरी को आप मुझे भारी अक्सरियत दिलवाए, मुझे फिर किसी और का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं अकेला आपका काम करवाऊंगा। यहां सांगर में मेरे दो नुमाइंदे हैं नेशनल असेंबली के लिए, एक तरफ मेरे बहन शाजिया मरी साहिबा इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी तरफ मेरा भाई सलाहुद्दीन जुनेजो इलेक्शन लड़ रहा है। इस बार हमारा नौजवान नुमाइंदा है। आपसे दरख्वास्त है कि आपने इन दोनों को असेंबली में भेजना है और बरेली के साथ भेजने। ये मेरे नुमाइंदगी करेंगे नेशनल असेंबली में, इनके वोट से मैं आपका वजीर आजम बनूंगा नेशनल असेंबली से, ये आपके आवाज बनेंगे नेशनल असेंबली में। एमपीएस पे अली हसन साहब, जाम शबीर साहब, नवीद देरो साहब, पारस देरो साहब और शाहिद तहीम साहब, शाहिद भाई मेरे लिए बहुत जरूरी है अपने बरेली के साथ। मैं अपने तमाम उम्मीदवारों से एक हल्फ लेना चाहता हूं, हाथ उठा के मेरे अवाम के सामने वादा करो कि आप इनके खिदमत करेंगे, इनके काम करेंगे। जब नौकरियां होंगे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं, मेरे अवाम को देंगे। काम आप इनके करेंगे, अपने खानदान के नहीं, इनके मेरे कारकुन के, मेरे अवाम के काम करेंगे। चले साथियों, इन्होंने तो वादा किया, आपके सामने वादा किया, मेरे सामने वादा किया, तो आपसे अवाम से मुझे एक वादा चाहिए। वादा अब वादा करो, क्या वादा करो? आप इनके लिए मेहनत करेंगे, आप इनके लिए वोट मांगोगे, आप ना सिर्फ वोट डालोगे, आप वोट मांगोगे ना।
आप सिर्फ अपना घर नहीं, आप पूरा इलाका लेके पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जिद्दोजहद जारी रखे तो 8 फरवरी को जीत आपकी होगी, 8 फरवरी को जीत जियालो की होगी, 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, तीर की। सांगर का निशान क्या, बीबी का निशान क्या, भुट्टो का निशान क्या, किसानों का निशान क्या, नौजवानों का निशान, औरतों का निशान, खवातीन का निशान क्या, अकलियतों का निशान क्या, हम सब का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, जीत का निशान क्या। नारे भुट्टो। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, अवाम भारी अक्सरियत दिलवाएं, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अवाम कहा कि इस्लामाबाद से छीन कर दूंगा। नू लीग और GDA 18वीं तरमीम पर डाका मारना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अशराफिया को सब्सिडी देने के लिए 1500 अरब बजट में रखे जाते हैं। अशराफिया के लिए हमेशा पैसे होते हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं होता। 17 वजारतें ऐसी हैं जिनका कोई काम नहीं, उनको बंद कर दूंगा। इस्लामाबाद को पैगाम देना चाहता हूँ कि पैसा अवाम पर खर्च करें। बिलावल भुट्टो सांगड़ में खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया इस बार मुझे पहले से ज़्यादा नशिस्तें दिलवाएं, कामयाबी के बाद भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे, कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया पिछली दफ़ा BISP दिया, इस बार बेनज़ीर मजदूर कार्ड देंगे। कराची और हैदराबाद की नशिस्तें जीत गए तो जयाला वज़ीर आज़म होगा। 10 निकाती एजेंडे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे इलेक्शन में भारी अक्सरियत चाहिए। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, शेर खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शेर बिल्ली बनकर घर में छुप रहा है, कोई जेल जाने से बचने, कोई जेल से बाहर आने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, मैदान में आना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम के हल की डिलीवरी, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, फूड पांडा संभाल लेगा। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले फिर काटे फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी पर इसकी। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, देख घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। आज का कड़क चैलेंज, कड़क चाय का कड़क दाम निकाल पाएगा एरियल। एरियल जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाम, सिर्फ एक धुलाई में। लाहौर एंटरटेनमेंट से, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1111-333-987। Lore Entertainment City. Happiness lives here. New Elvive Hyaluron Moisture by L'Oreal Paris. इसमें शामिल हाइलुरोनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भर कर उसको लॉक करे और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड। न्यू एलवीव हाइलुरोन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस, वेयर वर्थ इट। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। अल रहमान गार्डन फेज 7 मिरेकल सिटी ही तो है जहां मिले जिंदगी की हर खुशी आपकी खुशियों का सामान। अल रहमान डेवलपर्स।
पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल साथ जिंदगी भर का। समा न्यूज क्लॉक को अब तक पहुंचाने में तावुन किया है समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में तावुन किया है पुदीने वाला कोलगेट हर्बल। We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan who is currently visiting Iran may not return for the time being. ईरान का पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला, पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल, ईरान से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान, सफ़ीर को वापस बुला लिया, ईरानी सफ़ीर को भी वापस पाकिस्तान न आने की हिदायत, आला सतह के दौरे भी मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है, इसका कोई जवाब नहीं था, गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक़ रखते हैं, नतीजे की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी, पैगाम पहुंचा दिया। ईरान ने पाकिस्तानी फजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफवर्जी की, मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रही है, छुपाने के लिए जैशुल अदल की फेक आईडी और झूठे बयानात का सहारा लिया, जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल से मंसूब बयान जारी किया मगर पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर गलत हरकत का अंदाजा हुआ। जैशुल अदल से मंसूब अकाउंट्स IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस खुद चला रही है। ईरान के बलूचिस्तान पर हमले में 2 बच्चे जाबहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील, कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इकदामात से गुरेज का मशवरा, अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल काम करने पर जोर। बानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, लाहौर हाईकोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म बरकरार रखा। परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हिबा फवाद, हमाद अजहर, सनम जावेद के